नमस्कार दोस्तों, वशीकरण चमत्कारी टोटके उपाय में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं आपको एक नया वशीकरण का टोटका बताऊंगा, जिसमें आप पीपल के पत्ते से वशीकरण कर सकते हैं और एक अचूक वशीकरण टोटका है। शास्त्र तंत्र अनुसार षट कर्म का बड़ा महत्व बताया है। षट कर्म का अर्थ है छह कर्मों का अभिचार। यह छह कर्म है शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विधिवेशन, उच्चाटन और मारण। मूलतः ये छह कर्म दश महाविद्या की कार्य प्रणाली का एक हिस्सा है तथा इन छह कर्मों को तंत्र शास्त्र में अभिचार कर्म कहा जाता है। षट कर्म की क्रियाएं किसी भी विद्या की सिद्धि से की जा सकती हैं, पर सभी में विधि प्रक्रिया अलग है। इन अभिचार कर्मों की सिद्धियां अलग से भी प्राप्त की जा सकती हैं। षटकर्म अत्यंत खतरनाक क्रियाएं हैं और सभी शास्त्रों में शांति कर्म को छोड़कर अन्य सभी को वर्जित किया है कि साधक विवेक से जनहित में या अपनी साधना सिद्धि की सुरक्षा आदि के लिए उपयोग करे। इन षटकर्मों में से दूसरा कर्म है वशीकरण, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु को अपने वश में करना। परंतु वशीकरण करना या किसी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल काम है। इस लेख के माध्यम से हम आपको अपने पाठकों को या अपने साइट पे चैनल को देखने वालों को, पाठकों को वशीकरण विचार के बारे में बताने जा रहे हैं कि आपको किसी व्यक्ति पर वशीकरण करना चाहते हो तो आपको उसको कैसे अपने वश में करना है और वो कैसे संभव हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को कैसे वश में किया जाता है, इसके लिए विश्व के सर्वाधिक मान्य कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। तो दोस्तों, मंत्र मैं आपको बताता हूँ और मैं इसके साथ साथ आपको ये मंत्र अपनी अपने चैनल में एक पेज पर लिख कर भी दूंगा ताकि आपको उसका उच्चारण करने में दिक्कत ना हो और आपको उस मंत्र को 7 बार पढ़कर पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करें। फिर मंत्र को उस पत्ते पर लिखें। एक बार लिखना है आपको, उस मंत्र को एक बार पत्ते पर लिखना है जिसका आप वशीकरण करना हो और उसको उसके घर के पीछे जाके उस पत्ते को गाड़ दें। आपको मंत्र एक बार पीपल के पत्ते के ऊपर लिखना है और उस पीपल के पत्ते को लेकर आप उसके जिस पर आप वशीकरण करना चाहते हैं उसके घर के पीछे जाकर उस पत्ते को गाड़ दें या उसके घर में फेंक दें। यही क्रिया आप कर सकते हैं और इससे आप जिस व्यक्ति का वशीकरण करना चाहते हैं उसको बहुत ही आसानी से वशीकरण कर सकते हैं। तो मंत्र आपको एक बार ही बताता हूं मैं। ओम भ्रा भ्रा भू भैरवाय स्वाहा। ओम भम 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 अमुक मोहनाय स्वाहा। तो दोस्तों, ये था आज का मंत्र जिसमें आप वशीकरण कर सकते हैं और किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये मेरा जो नया आज वशीकरण का टोटका है वो पसंद आया होगा और आप इसे करें और आपको अचूक लाभ मिलेगा। और आप मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।